अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी दोस्तों अपने चैनल पे 100, 200, 500 वीडियोस तक भी अपलोड कर चुके हो, लेकिन आपकी कोई वीडियो भी वायरल नहीं हो रही? तो आपको दोस्तों वीडियो को सही तरीके से अपलोड करने का तरीका नहीं आता। दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर करा दूं, जब आप अपनी वीडियो को सही तरीके से अपलोड करते हो ना, तो आपकी 10 वीडियो या 15 वीडियो, 20 वीडियोस तक रेगुलर, अगर एक महीने तक आप रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते हो, अगर वो भी सही तरीके से, अगर आप रेगुलर जो है ना सही तरीके से रेगुलर एक महीना वीडियो पोस्ट करते हो ना, तो आपकी 2-3 वीडियोस लाजमी जो है ना वो सही वायरल होती है। मतलब उनमें के में व्यूज आते हैं, जैसे 20K, 10K, ऐसे व्यूज लाजमी आते हैं। क्योंकि यूट्यूब खुद, जैसे कोई बंदा रेगुलर काम कर रहा होता ना, मैं आपको यूट्यूब का थोड़ा सा बता दूं, यूट्यूब अगर कोई बंदा रेगुलर काम कर रहा है और सही तरीके से उनके जो है ना वो गाइडलाइंस को सही तरीके से फॉलो करके जो है ना वो काम कर रहे हैं, अगर वो एक महीना लेकर रेगुलर काम करे, एक महीने से कम भी 10-20 दिन भी कर ले, तो वो यूट्यूब खुद उसकी, चाहे वो आप कहीं देखते होगा ना, कोई कोई वीडियो वायरल हुई होती है, उसमें वीडियो में कुछ भी नहीं होता, कुछ बकवास सी वीडियो होती है, लेकिन वो वायरल हुई होती है। उसका मकसद क्यों वायरल होती है? वो यूट्यूब खुद आगे रिकमेंडेड करते हैं, यूट्यूब खुद उस वीडियो को वायरल करते हैं। क्यों? यूट्यूब हर चैनल में से एक वीडियो, दो वीडियो, जो बंदा रेगुलर काम कर रहा होता है, उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन को जो ना वो फॉलो करके, कम्युनिटी उसको जो गाइडलाइन उन्होंने बताई हुई होती है उसको फॉलो करके वीडियो को पोस्ट करता है, पब्लिक करता है, ठीक है, तो वो उनकी वीडियोस को देखते हैं भाई। उनकी वीडियोस में जो रेगुलर काम कर रहा होता है, उनके एक ना एक वीडियो जरूर से वो रैंकिंग में खुद लेके जाते हैं, यूट्यूब खुद रैंकिंग में लेके जाते हैं, उस पर व्यूज भी आते हैं, ठीक है, तो यूट्यूब उसको चेक कर रहा होता है कि चैनल इसका आगे चल सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं कि नहीं। अगर उस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं, जैसे वो लोगों के पास शौक रहता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा देखते हैं, तो फिर वो जो है ना वो चैनल पूरा रैंकिंग में यूट्यूब उसका कर देते हैं, यूट्यूब उसको रैंकिंग में ले आते हैं उसके चैनल को, और उसका चैनल ग्रो हो जाता है। और आपको तो पता ही, अगर एक वीडियो भी वायरल हो जाए चैनल की, तो सारी की सारी चैनल जो है ना वो वायरल हो जाते हैं और ग्रोथ में आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी से देख लेना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा किस तरह से आप वीडियो को सही तरीके से यूट्यूब को फॉलो करके, यूट्यूब जिस तरीके से बताते हैं कि वीडियो अपलोड करो, उस तरीके से आप वीडियो अपलोड करोगे, ठीक है। तो आज तक आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी वीडियो को अपलोड करने का तरीका, ठीक है, लेकिन अगर ये वीडियो आप पूरी देख लोगे ना, तो आपको वीडियो को अपलोड करने का तरीका बिल्कुल ठीक तरीके से आ जाएगा। जिस तरह से यूट्यूब बताता है कि अपनी वीडियोस को इस तरह अपलोड करो, मैं बिल्कुल आपको वही तरीका बताऊंगा, और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप रेगुलर अगर काम करोगे तो एक महीना ये इस तरह से जो मैं तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से अपलोड वीडियो करनी है, इस तरीके से आप एक महीना रेगुलर काम करो, तो आपकी ज़रूर से कोई ना कोई एक वीडियो या दो वीडियो लाजमी से रैंकिंग में जाएगी और ज़रूर से वायरल होगी, चाहे उस वीडियो में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपने तरीका सही से फॉलो कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना वेस्ट के टाइम, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ किस तरीके से आप अपनी वीडियो को सही तरीके से यूट्यूब को फॉलो करते हुए, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपलोड करोगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे बिना वेस्ट किए आपका टाइम। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, लेट्स गो। जी तो दोस्तों हम लोग आ गए मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है, अपने सिंपली क्रोम, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे अपना लिखना है यूट्यूब, ठीक है, youtube.com आप लिखोगे, youtube.com अपने सर्च करना है लिख के, ठीक है, आप youtube.com लिखोगे, उसके बाद आपके सामने ये यूट्यूब क्रोम में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर लोगो मेरा देख सकते हैं, मेरे पास लोगो शो हो रहा है यहाँ पे। आप अगर ये आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप अपना अकाउंट यहाँ से लॉग इन कर लेना है, आपने अपना अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे ऊपर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, तो आपने सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये देखिए ऊपर 3 डॉट्स मिल रहे हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। ओके, डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। तो दोस्तों जैसे ही आपकी डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा, जैसे अभी मेरा शो हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये डेस्कटॉप साइट मेरी ओपन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली ऊपर अपने यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है ये वीडियो के निशान पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सबसे ऊपर अपलोड वीडियो का, तो आपने सिंपली अपलोड वीडियो पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप अपलोड वीडियो पे क्लिक करोगे, तो दोस्तों ये आपको YT स्टूडियो में ले आएगा, लेकिन उससे पहले आपने अपना YT स्टूडियो डिलीट कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली YT स्टूडियो आप डिलीट करोगे, यहाँ से ये क्लिक करके रखोगे और अनइंस्टॉल ऐप करोगे, दोबारा आप दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिलहाल आप YT स्टूडियो को डिलीट कर दीजिए। अगर आप अपने YT स्टूडियो को डिलीट नहीं करना चाहते ना, तो यहाँ पे YT स्टूडियो पे क्लिक करके ऐप इन्फो पे क्लिक करोगे, ठीक है, ऐप इन्फो पे क्लिक करके यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ओपन बाय डिफॉल्ट, ठीक है, आपने इसको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ये ऑन रहेगा, ठीक है, ये ऑन रहेगा, तो इसको आपने सिंपली ऑफ कर लेना है, ठीक है, ये ऑन रहेगा, इसको ऑफ ऑफ कर लेना है। तो ऑफ करने के बाद आप जैसे ही बैक क्रोम में आए हुए ना, क्रोम में
तो इस बार आप जब जैसे अपलोड वीडियो पे क्लिक करोगे ना, यहाँ से अपलोड वीडियो पे ऊपर क्लिक करके, ये वीडियो का रिझान बना है यहाँ पे क्लिक करके अपलोड वीडियो पे क्लिक करोगे, आपने वहाँ से सेटिंग ऑन कर लिया ना, वो मैंने जो बंद किया था बंद करने का बोला तो आपने वो ऑफ कर लिया था। उसके बाद यहाँ देखिए जैसे ही क्लिक करें तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट फाइल। उससे पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल में आ जाना है। यूट्यूब में आने के बाद अपने अपने यूट्यूब में आ जाना है, ठीक है। यूट्यूब में आने के बाद यहाँ पर ऊपर क्लिक करोगे, ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टर्न ऑन इनकोग्नेटो, ये आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। ये आप सिंपली ऑन कर लोगे, और जैसे आप ऑन करोगे उसके बाद दोबारा क्रोम में आपने आ जाना है। अपने क्रोम में आ जाना है, यहाँ पे अपने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके जो वीडियो आपने अपलोड करनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो आप जैसे ही फाइल अपनी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ये ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, तो यहाँ से इसको आपने कैंसिल कर लेना है और आपने अपना सिंपली यूट्यूब में आ जाना है, ठीक है। यूट्यूब में आओगे और यहाँ पे अपने कंटेंट के मुताबिक सर्च करना है। जैसे मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, ठीक है। मैं वैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी आप अपने कॉन्टेंट के मुताबिक सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी पॉपुलर वीडियो को देखोगे, जिसकी पॉपुलर वीडियो होगी, मतलब अब देखिए यहाँ पर इनकी पॉपुलर वीडियो, तो मैं इनको शेयर लिंक पर क्लिक करके इनका लिंक कॉपी कर लूँगा इस वीडियो का, ठीक है। और इस वीडियो पे क्लिक करके उसके बाद में यहाँ पे आपको ये ऑप्शन एक मिल रहा है थ्री डॉट के साथ, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके ऊपर न्यू टैब क्लिक को खोल लेनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना लिंक कॉपी कर लेना, जो लिंक आपने कॉपी किया वो पेस्ट कर लेना है और आपको गूगल क्रोम में वो वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे इनका जो टाइटल होगा वो टाइटल आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। अभी सिंपल मैं टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी आपने टाइटल कॉपी कर लेना है जो उनकी वीडियो पे होगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करके ये देख सकती है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी का ऑप्शन मिल रहा है, आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। दोबारा ऊपर थ्री डॉट के साथ ये ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी उस पर आ जाना है जहाँ पे आप अपलोडिंग कर रहे हो। यहाँ पे आप अपना पेस्ट करोगे और साथ अपने चैनल का नाम लिख लोगे, क्योंकि ये फिर आपके अपना बन जाएगा, ठीक है। अभी ये कॉपी हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपना नाम लिखोगे ना, मैं अभी लिख लेता हूँ कुछ भी अपना नाम और अपने चैनल का नाम मैंने लिख लिया, ठीक है। तो ये अपना जो है ना वो ओरिजिनल कंटेंट बन चुका है। उसके बाद आपने यही कॉपी करके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख लेना है, ठीक है। अभी ये कॉपी करके इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख लेता हूँ। दोस्तों बहुत अहम बातें हैं आगे चल के, वो आपको बहुत काम आएंगी, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इसको कॉपी करके आपने सिंपली नीचे भी पेस्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने नीचे आके यहाँ पे हैशटैग दो तीन हैशटैग लगा लेने हैं। जैसे मैं लिखता हूँ यूट्यूब चैनल, एक और हैशटैग लगा देता हूँ हाउ टू क्रिएट, इस तरह के मतलब अपने चैनल के वो लगा लेने हैं, ठीक है, हैशटैग लगा लेने अपनी वीडियो के कंटेंट के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट, अगर आपकी प्लेलिस्ट में सेव करना चाहते हो, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे नो इट इज़ इट येस इट इज़ मेड फॉर किड, नो इट इज़ नॉट मेड फॉर किड, तो आपने सिंपली नो इट इज़ नॉट मेड फॉर फॉर किड्स पे लाजमी से क्लिक कर लें। उसके बाद शो मोर पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे नीचे आओगे तो ये पेड प्रमोशन को छोड़ दीजिए, आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आओगे, अब टैग्स कैसे लगाओगे ये एक बड़ी चीज़ है, वो आपको मैं बताता हूँ। आप दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल में आओगे, अभी मतलब जो जो पॉपुलर वीडियो होगी ना उसका टैग आपने निकालना है, तो यहाँ पर आप सिंपली थ्री डॉट्स पर क्लिक करके शेयर पर क्लिक करके कॉपी लिंक क्लिक करोगे, ठीक है। इसका लिंक कॉपी कर लोगे, और अभी एक एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी जिसका नाम है टैग्स फॉर वीडियोस। ये आपको इस सिंपली जो है ना प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आपने ये डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। डाउनलोड करने के पास आपने जैसे ही वीडियो का लिंक कॉपी करोगे ना, और यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे वो लिंक पेस्ट करोगे और सर्च पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो उस वीडियो के सारे टैग्स आपके सामने निकल के आ चुके हैं, ठीक है। आप किसी भी वीडियो का यहाँ से ले सकते हो, ये देखिए ये वाली वीडियो थी, इसके टैग्स ये सारे कॉपी। अभी आपने करना क्या है, यहाँ पे ये एक ऑप्शन मिल रहा है आपको डी सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना, तो ये सारे ये हो जाएंगे ब्लू हो जाएंगे, मतलब कोई भी कलर होगा वो फुल हो जाएंगे। मतलब अभी देखिए एक एक आपने कॉपी करना है, अभी सिंपल मैंने ये वाला कॉपी करना है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ये कॉपी सिलेक्टेड का ऑप्शन मिल रहा है मुझे, कॉपी सिलेक्टेड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं दोबारा अपने इस यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए एक टैग बन चुके, और उसके अलावा जैसे मैं फिर कोई और मुझे टैग कॉपी करना होगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से क्लिक करेंगे, इसको ब्लू करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से करके एक दफ़ा क्लिक करके कॉपी सिलेक्टेड पे क्लिक करके यहाँ पे दूसरा टैग्स भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो चुका, टैग्स भी लगाना आपको आ चुका। उसके बाद आपने लैंग्वेज लाजमी से सिलेक्ट कर लेनी है, देखिए जिस लैंग्वेज की वीडियो आपकी है इंग्लिश की है तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है। देखिए अगर आप इंग्लिश की वीडियो है तो आप अगर उर्दू सेलेक्ट कर लोगे तो वो उर्दू वालों के पास, लोगों के पास जाएगी जो उर्दू समझते हैं बोलते हैं, तो उनके पास जाएगी, वो क्लिक नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। आपने यहाँ वीडियो लैंग्वेज लाजमी सेलेक्ट
कर लेनी है। अभी मैं सिंपल सी, मेरी वीडियो लैंग्वेज उर्दू है तो मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उर्दू सेलेक्ट करके उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना कमेंट एंड यहाँ पे इस पर अलाउ ऑल्स कमेंट पे आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने ये आपको नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। नीचे यहाँ पे ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन दे रहे, तो आपने नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर ये कह रहे एड सब टाइटल या एंड स्क्रीन वो लगाएं, वो अभी आपके काम की अभी की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये चेक हो रहा है कि आपकी वीडियो पर कोई कॉपी राइट स्ट्राइक वगैरह तो नहीं है, मतलब कोई आपने कॉपी राइट काम तो नहीं किया, ठीक है। ये यहाँ पर चेक हो रहा है, ये आपको चेक होने देना है, छोड़ दें इसको। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिले, आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो दोबारा से आपको ये नो कॉपीराइट इशू, देखिए कह रहे हैं कि कॉपीराइट कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे पब्लिक करना है, प्राइवेट करना है, जो भी करना है आपने कर लेना है। मैं सिंपली प्राइवेट कर रहा हूँ, ठीक, पब्लिक कर रहा हूँ, सॉरी। पब्लिक करके शेड्यूल वगैरह भी आप कर सकते हो, पब्लिक आपने करना है, पब्लिक करके पब्लिश पे क्लिक कर लेना है, तो ये आपकी वीडियो जो है ना वो सही तरीके से अपलोड आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।